वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो यहाँ पे मैं कुछ अपडेट लेकर आई हूँ। यहाँ पे Redmi की तरफ से एक अपडेट है। कुछ दिन पहले मैंने दो वीडियो बनाई थी, अपडेट दी थी कि Redmi का जो K60 सीरीज का जो स्मार्टफोन के बारे में कुछ अपडेट दी थी। तो यहाँ पे एक अपडेट है, Redmi का जो K60 सीरीज का जो स्मार्टफोन है वो एक स्पेशली गेमिंग एडिशन वाला स्मार्टफोन है। तो ये स्मार्टफोन्स के लिए यहाँ पे उसका फर्स्ट लुक आ चुकी है, ऑफिशियली कॉन्फर्म हो चुकी है कि ये स्मार्टफोन्स कब लॉन्च करने को जा रहे हैं और कुछ डिटेल्स वगैरह आ चुके हैं कि मतलब प्रोसेसर वगैरह क्या है, कितने वाट का चार्जर देखने को मिलने वाली है। तो रेडमी के 60 सीरीज के स्मार्टफोन से उसके बारे में बात करने वाले हैं। कुछ दिन पहले से अपडेट वगैरह आ रहा था लेकिन यहाँ पर ऑफिशियली कॉन्फर्म हो चुकी है। रेडमी के 60 के जो स्मार्टफोन है, सीरीज का जो स्मार्टफोन है, टोटली 3 वेरिएंट में स्मार्टफोन है। पहले निकल कर थी रेडमी के 60, Redmi K60 Pro, Redmi K60E जो स्मार्टफोन थे, 3 वेरिएंट में देखने को मिलने वाली है। बात कर लेते हैं यहाँ पे ऑफिशियली कॉन्फर्म क्या हुआ है। वीडियो के एंड में आपको जरूर बताने वाली हूँ उसका लॉन्च डेट, मतलब लॉन्च डेट क्या है। तो ये जो स्मार्टफोन से पहले बात करते हैं उसका प्रोसेसर वगैरह क्या है। ऑफिशियली तो कॉन्फर्म हो चुकी है, उसी लिए प्रोसेसर वगैरह आ चुकी है। Redmi K60 Pro के बारे में बात कर लेते हैं। ये जो प्रोसेसर है ये फ्लैक्सीबल वाला प्रोसेसर है, क्योंकि ये फ्लैक्सीबल वाला स्मार्टफोन से और गेमिंग एडिशन वाला स्मार्टफोन से, तो उसी लिए ये स्मार्टफोन पावरफुल प्रोसेसर के साथ देखने को मिलने वाले हैं। Redmi के 60 प्रो स्मार्टफोन में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का 8th Gen 2 प्रोसेसर है। दूसरा जो निकल जाती है Redmi के 60E जो स्मार्टफोन से, MediaTek Diamond City का यहाँ पे प्रोसेसर है। थर्ड नंबर पे जो निकल जाती है Redmi के 60 जो स्मार्टफोन से, तो यहाँ पे क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का 8th Gen 8+ Generation 1 प्रोसेसर है। तीनों वेरिएंट में स्मार्टफोन से डिफरेंट के साथ देखने को मिलने वाले हैं। यहाँ पे चार्जिंग सपोर्ट वगैरह भी आ चुकी है जो Redmi के 60 और 60 प्रो जो स्मार्टफोन से। तो Redmi के 60 और 60 प्रो में 67 वाट का चार्जिंग सपोर्ट है, और जो एक स्मार्टफोन से Redmi के 60E जो स्मार्टफोन से, इसमें 120 वाट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट है। तो ये तीनों स्मार्टफोन से चार्जिंग सपोर्ट काफ़ी अच्छा है और उसके साथ ही साथ पावरफुल प्रोसेसर है, क्योंकि ये फ्लैक्सीबल वाला स्मार्टफोन है। तो आते हैं लॉन्च डेट के बारे में। ये जो स्मार्टफोन से Redmi के 60 सीरीज जो तीन वेरियंट स्मार्टफोन से, ये स्मार्टफोन दिसंबर लास्ट को 27 को चाइना में लॉन्च करने को जा रहे हैं, मतलब एंड ऑफ दिसंबर को लॉन्च करने को जा रहे हैं 2022 में। 23 भी अभी तक नहीं हुआ है लेकिन दिसंबर 27 को ये स्मार्टफोन लॉन्च करने को जा रहे हैं। जब तक इंडिया के लिए आ जाएंगे तो 23 को देखने को मिलने वाली है, और सेल वगैरह स्टार्ट होगी कब ये देखेंगे। तो फाइनली Redmi का K60 सीरीज का गेमिंग एडिशन जो स्मार्टफोन से, वो जल्दी चाइना में लॉन्च करने को जा रहे हैं। उसके तुरंत बाद निश्चित तो देखते हैं, हो सकता है फरवरी या फिर मार्च के महीने में इंडिया में आने वाले। तो उसका फास्ट लुक वगैरह आ चुकी है, बस इतना से अपडेट है। तो देखते हैं और क्या अपडेट आती रहती है। तो कोई भी अपडेट है मैं आपके साथ जरूर शेयर करने वाली हूँ। तो चाहते हो फ्यूचर में इस तरह अपडेट रहने के लिए, नया वीडियो देखने के लिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा अगर आपको एक गेमिंग एडिशन वाला स्मार्टफोन चाहिए जो कि फ्लैक्सीबल है, तो आप Redmi के 60 के लिए आप जरूर वेट कर सकते हो। तो प्लीज़ मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा।